मुबारका जी मुबारका आप जी सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारका। इस वेले असी ना तां चंडीगढ़ दे बस अड्डे खड़े हां, ना अंबाला दे ते ना पटियाला दे। इस वेले असी खड़े हां राजपुरा दे नवें बस अड्डे ते मैं आम आदमी पार्टी दी जिहड़ी मैडम बणे हैं MLA राजपुरा मैडम नीना मित्तल नूं बहुत बहुत वधाई देना चाहवांगा, क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ जिहड़ा ये देखो तुसीं किन्ना पैसा लग्या होना जद बनया होना 2006 च जद बनाया गया सीगा ते उस तो बाद चलिया नहीं ते उस तो बाद फिर दोबारा तो 2008 च इनू फिर दोबारा तो यही कम करिया जिहड़ा हुण कर रहे हैं। ये लिपा पोथी कह सकते इनू कि भी पेंट कराते जी लखां रुपया दी जिहड़ी इहदे उत्ते खर्च किया जा रहा है, ये पहला भी कई बार हो चुकिया है, लेकिन इहदी जिहड़ी किस्मत है वह बंद पई है ते उहदी चाबी पता नहीं कित्थे गवाच गई है कि पता नहीं कद ये जिहड़ा बस स्टैंड है ये चलेगा। तुसीं हालत देख सकते हो, वैसे इस च कमी कोई नहीं है, देखो किन्ना वधिया जिहड़ा बस अड्डा ये बनाया गया है, पर ये चलता क्यों नहीं, उहदा कारण क्या है? तो जे ये बस अड्डा चल भी जाता है तो जिहड़ा पुराना बस अड्डा है राजपुरे वाला उहदा क्या होएगा? तो एक फायदा तो मतलब ये होएगा कि जिहड़ा बाईपास च जड़ा रश लग जाता है बसा खड़दियाँ उत्थे उहदा फायदा जरूर लोगों को मिलेगा, क्योंकि धुप्प जड़े लोग है वह वेट करते हैं बस दे आण दा इंतजार करते हैं, इत्थे लोग बैठ सकते हैं, दुकाना भी बनिया हुई हैं, खाण पीन का भी इत्थे सब कुछ खुलेगा। ये मैडम नू बहुत बहुत मुबारक मैं इस चीज़ दी देना चाहवागा, क्योंकि पिछली जी सरकार सीगी अपने कांग्रेस के जिहड़े MLA सीगे सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी, उन्होंने क्यों नहीं सोचा इस चीज़ के बारे कि इनू चालू कराना चाहिए, क्योंकि जिहड़ा बाईपास है बाईपास तो होंदे हुए हर एक जिहड़ा भी लीडर है वह उधरों होंदा जांदा है, तो उन्होंने लोका जिहड़े धुप्प च खड़े लोग उन्होंने वल ध्यान नहीं जांदा कि वह किन्ने परेशान होंदे उत्थे खड़े, बच्चे छोटे छोटे बजुर्ग वड्डे सारे सारे उत्थे खड़े होंदे हैं, लेडीज़ खड़िया होंदी हैं, कई बार बारिश आ जाती है तो किसी की परेशानी नहीं दिखी। चलो मैडम नू परेशानी दिखी है तो मैडम ने यह चालू कराया, तो चालू तो कराते चालू तो यह दो बार हो चुका है, हुण भी लखां रुपया लग रहा है, तो क्या ये चल पाएगा आपां देखांगे, क्योंकि मैं इहदी स्टोरी दो तीन बार पहला भी कर चुके हाँ, क्योंकि जब मैं आया सीगा उपर जिहड़े रूम्स बने हुए हैगे जिहड़ा पहला थाणा हुंदा सीगा उस च नशे दे इंजैक्शन होर चीज़ा नशा करन दी फॉयल पेपर वगैरह बहुत चीज़ा मैं एक स्टोरी लाई सीगी कि जिहड़ा नवा बस अड्डा है वह नशे का अड्डा बन गया, तो हुण देखो सफाई हो चुकी है, कल इहदा जिहड़ा हैगा उद्घाटन करना हैगा, बाबा साहब अंबेदकर जी की जयंती है तो इत्थे उद्घाटन करना है। असीं तां रब नूं इही चाहवांगे कि भी जिहड़ा इस ते पैसा लग्या वह लोगों वसूल होए, इत्थे बसा आके रुकण, क्योंकि जे बसा आके रुकन गया दुकाना होणगीआं, दुकाना ते रोजगार भी बनेगा ते सारा बहुत वधिया तरीके दे नाल चहल पहल भी होएगी, क्योंकि असीं दूजे शहर जांदे जिदा पटियाला तुसीं देख सकते हो या चंडीगढ़ देख सकते हो, चंगा लगता है कि किसी बस अड्डे ते आए हैं, पर इत्थे राजपुरा बस अड्डा ही कोई नहीं हैगा, जिहड़ा एक बस अड्डा है उत्थे बसा नहीं रुकदियां, लोकल बसा रुकदियां उत्थे कुछ सिस्टम नहीं हैगा, तो हुण बस अड्डा जिहड़ा चलेगा तो देखांगे कि भी, क्योंकि देखो लोकल रूट्स का भी इत्थे बोर्ड लग्या हुआ है, लोकल बसा भी इत्थे रुकन गिया, तो तुसीं देख सकते हो ये बस अड्डा चलाउण दे लई इत्थे जिहड़े मुलाजम हैगे नगर कौंसिल दे पूरी मेहनत दे नाल इत्थे जिहड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। हुण असी इस बस अड्डे दे बाहर खड़े हैं जिथे एंट्री पॉइंट हैगा, तुसीं देख सकते हो कि भी ये एंट्री पॉइंट है बस अड्डा, बहुत वड्डा बस अड्डा जिहड़ा बनाया गया है, उस इत्थे सफाइयां चल रही है गियां। पर एक सवाल जिहड़ा एक पैदा होंदा है कि जिहड़ी अंबाले साइड तो जिहड़ी बसा आ रही हैं वह सीधे रूट तो जिहड़ी इधरों एंटर करनगियां, ठीक है, तो सवारी उतरनगियां तो चढ़नगियां उस तो बाद फिर दोबारा तो अपने रूट पर चली जाणगियां, पर जिहड़ा अमृतसर लुधियाना सरहंद वालों जिहड़ी बस आ रही है उधर रूट प्लान क्या रहेगा? मैं पहला सड़क देखो तुसी सामने पुल है, पुल दे थलों या नेड़े तेड़े किते भी जड़ा कट नहीं बनाया गया कि भी जड़ी बस उधरों आ रही है वो इधर एंटर कर पाए, या तो इहदी ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ेगी ये बस अड्डा चालू करन दे नाल, क्योंकि जड़ी अमृतसर वगैरह इधर सरहंद साइड तो जड़ी बस आएगी वो या तो इधरों रोंग साइड तो होंदी हुई बस अड्डे के अंदर एंटर करेगी, या उधर रूट प्लान ये रह सकता है कि पहला वो बाईपास जाएगी, बाईपास तो घूम के फिर इस बस अड्डे के अंदर एंटर करेगी, सवारी चढ़नगियाँ उतरनगियाँ उस तो बाद फिर दोबारा बाहर निकलती है, पटियाला जिहड़ा बाईपास हैगा उधरों जिहड़ा हैगा फिर दोबारा तो यू टर्न लेगी तो फिर अपनी रूट पर जाएगी, जिदे नाल जद वो डबल यू टर्न लेंदी है बस जिहड़ा बाईपास है, बाईपास फिर दोबारा तो जिहड़ा
यातायात प्रभावित हो सकता है, जाम लग सकता है, एक्सीडेंट के कारण बन सकते हैं। ये बस अड्डा पहली गल तो यह बस अड्डा जिन्हें भी बनवाया सीगा उन्हें क्या यह सोच के बनवाया सीगा कि क्या बसा किस तरीके दे नाल इत्थे एंटर करनगियां, किस तरीके दे नाल निकलनगियां, कोई प्लैन सीगा या नहीं सीगा, ते मतलब यह आने वाले दिनों च यातायात नूं प्रभावित कर सकती है। तो नाल दी नाल जेड़े MLA साहिबा है मैडम नीना मित्तल उन्होंने भी परेशानी का सामना करना पै सकता है क्योंकि बस अड्डा तो चालू हो गया, वाह वाही बहुत हो गई, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहला एक्शन मूड च हो सरकारी हस्पताल भी गए, उन्होंने बड़ा हिक ठोक के कहा कि भी एक महीने के अंदर अंदर, वैसे तो मैं एक महीना बहुत ज़्यादा कह रही हाँ, फिर भी एक महीने के अंदर अंदर जेड़ा है हॉस्पिटल है AP जैन सरकारी हस्पताल और रैफर हस्पताल नहीं रहेगा, तो दवाइया भी मुफ्त मिलनगियाँ। अज 13 तरीक है, कल 14 तो परसों 15, एक महीना हो जाएगा। असी लोगों तो भी ये जानना चाहवांगे क्या उन्होंने सरकारी हस्पताल च दवाइया मुफ्त मिल रही हैं या फिर यही चीज़ सफेद हाथी, कई बंद ने लिखा सीगा सफेद हाथी जड़ा हैगा वो बस अड्डा वो चलन लगे है, क्या ये सफेद हाथी चल पाएगा या फिर ये भी जड़ी गले की हड्डी बन जाएगी, ये आने वाला समा दसेगा। किन्नी लागत इतने इस ते ला चुके हैं, वो साफ सफाई चलो एक फायदा तो हो गया, कहते भी जब बदलाव होता, बदलाव होता, मान लो आप घर भी बदली करते हैं, कुछ चीज़ा पुरानिया गुआचिया हुई मिल जाती है, तो ये बदलाव है, तो बदलाव च कुछ चीज़ा गुआचणगियाँ तो कुछ चीज़ा मिलनगी भी हाँ। ये आने वाले दिनों असी इनू चैक करांगे कि किनिया चीज़ा इधरों मिलिया तो इतने किनिया चीज़ा गवाच गई या फिर जेड़ा पैसा इस ते लग रहा है वो भी खर्चा पा के लाल पेन दे नाल खर्चा पा के किताब बंद हो जाएगी, ये आने वाला समा दसेगा। कैमरामैन अनमोल के नाल प्रदीप चौधरी, एक्शन पंजाब वैब न्यूज़ चैनल राजपुरा।